ये ट्रिप के लिए बेस्ट चीज है यार। रुद्रा भाई ऑन रेंट, हाँ यहाँ आ जाओ। ये हीरो बनने जा रही। This is not an adventure anymore. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। नींद पूरी हो गई थी, रूम भी मिल गया था। रूम ये है, मैं शुभांगिनी और अदिति हैं इस रूम में। और कोई ऐसा रूम नहीं है जिसका टूर दिया जाए, नॉर्मल सा रूम है, ठीक है रहने लायक। और अभी हम निकल रहे हैं स्कूटी रेंट करके ऋषिकेश के लिए, क्योंकि ऋषिकेश एक घंटा दूरी है। अभी बस स्कूटी लेने जाना है, फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या प्लान है। क्योंकि यहाँ एक्चुअली गर्मी वहाँ भी होगी, मैं ये नहीं कह रही गर्मी यहाँ, मैं नहा भी ली हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। यहाँ भी गर्मी है वहाँ भी गर्मी है, लेकिन यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आ गए हैं तो गर्मी में घूम लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से अभी निकलेंगे, फिर वहाँ जाके देखते हैं। राफ्टिंग का सीन बना तो राफ्टिंग करेंगे, वरना बाकी व्हील सी कि क्या होता है। पर अभी निकलना तो है ही, और बस सब पैकिंग कर रहे हैं, अपना छोटे छोटे बैग ले रहे हैं, बाकी बड़े बड़े सामान यहीं पर रख देंगे। शुभांगिनी धर्म संकट में है कि उसको बड़ी टाल चाहिए या छोटी टाल चाहिए। बड़ी टाल में शुभांगिनी पूरी ढक सकती है। अदिति आपको कैसा लग रहा है? अरे मैंने एक रील देखा था, उसमें मैं खोद रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि इतनी धूप है बाहर, इतनी धूप बहुत ज्यादा। शट अप, एक मिनट। तो मेरे पास ऑलरेडी, मैं बता चुकी हूँ कि मैंने सारा सामान पैक करके भेज दिया था, तो मैंने कुछ टी शर्ट और सामान ही रखा। तो मैंने अभी ये टी शर्ट पहना है, और ये शुभांगिनी की पैंट है, और अभी मैंने अभिषेक का शर्ट लिया ताकि मेरा स्किन बर्न ना हो हाथ वाला। मुझे नई तरह की चीज़ पता चली है, जूते साफ हो रहे हैं। ये ट्रिप के लिए बेस्ट चीज़ है यार, मेरे तो साफ है, मेरे तो साफ है। मैं हो गई हूँ रेडी, अच्छा लग रही हूँ मैं मुझे। और अभी हमें करनी है स्कूटी राइड ऋषिकेश तक। अदिति तेरे काले हैं, इसकी लिटरली कोई जरूरत नहीं। नहीं वाइट वाले पे चाहिए। अरे मैं पहले तो ट्राई कर रही हूँ यार, बस सही में सब पाग भी हम निकल रहे हैं। ये थैला ले लिया मैंने, इफ हमने राफ्टिंग करी तो। थैंक यू सो मच। ओए सैम, एक ट्रे ला के आ, जल्दी ला के आ। तो ऑटो वाले भैया ने बताया है कि इस मंदिर यहीं पे कहीं हमें स्कूटी रेंट का एड्रेस मिला है, और इसके पीछे है चेतन पूरी वाला, जिसकी पूरी बहुत फेमस है। तो अभी हम वो खाने जा रहे हैं, पूरी सब्जी खाने यहाँ की जो फेमस है, और निकलते हैं। अरे यार ये छोटू आया है हमें बाइक रेंट वाले के रास्ता दिखाने। बाइक रेंट करने की शॉप पे, थैंक यू। बाइक देखेंगे घर में, पहले पानी पिलाया जा रहा है हमें। चेची आंटी और एक छोटू है जिसका नाम माधव है। गर्मी है इतनी, हमारे पटियाला से आए हम कॉलेज से, उतनी ही थी यहाँ, वहाँ भी यहाँ पे भी सैंतीस। मेरा मुँह लाल हो गया गर्मी से, पूछ रहा है गर्मी में भी 37 डिग्री है, और यहाँ कितना है? यहाँ पे 31। क्या कहा? क्या बोल रही है? 7 डिग्री और 35। वो कहाँ है? गूगल पे सर्च कर लो। ये मेरे को इतनी देर से जगह बता रहा है, और इसने भी बताया फन फूड, क्या फन फूड पैलेस। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ से भी गर्म है, यहाँ 37 है, 40 डिग्री है। मैं तो वहाँ जल के राख राख मिलूँगी। तो यहाँ कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। स्कूटी तो ले ली है, इनके पिताजी की स्कूटी सर्विस है, वेरी नाइस। नाम क्या है? स्कूटी रेंट वाला रुद्रा भाई ऑन रेंट, हाँ यहाँ आ जाओ। और अगर देहरादून आ रहे हो तो काफ़ी अच्छे भैया, इतने स्वीट भैया हैं कि क्या बोलूँ। सुबह हमने बोल दिया था तो उन्होंने बुक करके रखा। सो बस और कुछ नहीं, और तो बस गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी में। और एक नया दोस्त बना लिया है मैंने, गोलमोलू, उसका नाम माधव है। माधव का मतलब तो पता ही होगा, कृष्ण उसका छोटा भाई है। उसको मैं देखने के लिए कि वो भी गोलमोलू है क्या, पर वो भी है नहीं। शुभांगिनी तैयार हो गई, सुजुकी का ऐड करने जा रही है। शुभांगिनी दिखा तो सही एक बार, तुझे कसम है। ये बहुत हीरो समझ रही है, ये हीरो बनने जा रही है। तो हम हो गए हैं बाइक रेडी, बस बाइक हेलमेट लेके निकलना है, और ये हीरोइन पीछे चल रही है। देखिए कैसा लग रहा है आपको, आप इतनी बेहतरीन स्कूटी चलाने वाले हैं, ये चलाने वाला है बुबरमैन।
और अभी फिलहाल अदिति के पीछे बैठूंगी मैं, क्योंकि उसका मन है पहले चलाने का, उसके बाद मैं थोड़ा चलाऊंगी, बाकी लेट्स गो। निकल गए हैं, जय माता दी, जयकारा शेरावाली दास, सच्चे दरबार की जय। बाय बाय। बीच में रेस्ट लेने के लिए अदिति और वो लोग आगे हाथ दिया, कुछ सुना नहीं उन्होंने, हमने थोड़ी फोटोज खिंचवा ली, और मतलब मैंने खिंचवा ली। आज गए त्रिवेणी घाट, ऑलमोस्ट हमारी आरती, गंगा आरती शुरू होने वाली है बस। और काफ़ी गर्मी है, पता नहीं घर उतनी गर्मी में कैसे क्या होगा। किस साइड लेना है, अंदर ना? हाँ इधर अंदर, बस ठीक है, ओके। ये रहा सामने घाट, आ गया है घाट। गाड़ी पार्क, गाड़ी इधर पार्क कर देते हैं। पहुंच गए हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर, हम थोड़ा सा लिटिल अर्ली क्योंकि अभी आरती में 2 घंटा है, और हम सोच रहे हैं बीटल्स कैफे चले जाएं, आसपास कोई जगह है तो। अभी वॉशरूम वॉशरूम जाके फ्री हुई हूँ, तो थक गई थी तो यहाँ। ये मेरे पीछे है गंगा घाट, कब से मन था गंगा जी आने का, फाइनली मैं बस एक बार हाथ धोऊंगी, मुंह धोऊंगी गंगा जी में। लोग नहा रहे हैं, मतलब मेरे को भी नहीं, मुझे आई डोंट नो इवन कि मैं कितने साल बाद आई हूँ गंगा जी, लगभग 10-12 साल बाद। अभी हम आ गए अंदर घाट में, ऊपर जींसों को ऊपर कर करके, ज़्यादा अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं भीग जाऊँगी फिर, इतना ठंडा पानी, अंदर स्पा हो रही है, हो जा रहा है अंदर यार, अच्छा लग रहा है। तो अभिषेक जी तो नहा लिए, काश मैं भी नहा पाती पर मेरे पीरियड्स हैं, इसको मैं बोल रही हूँ नहा ले, वो भी नहीं नहा रही। ये तो कहाँ आ रहे, वहीं रहना। अच्छा लग रहा है अभिषेक जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, बस रिफ्रेश हो गया। तो इतना रिलैक्स हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब 2 दिन की थकान निकल गई। अभिषेक तो पूरा नहा लिया है एकदम मस्त, काश मैं भी नहा पाती पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के गंगा मैया के दर्शन करके। मुझे बस 2-3 घंटे में शायद गंगा आरती है, तो अभी थोड़ा आसपास और घूम लेते हैं। और ये तो इतना बेस्ट, मतलब पहले भी किया ही है लेकिन मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। आरती में अभी समय है कम से कम 1 घंटे का, डिले पर डिले, 6 बजे हमें किसी ने बताया था, फिर हमें पता चला कि 7 बजे होगी। फिर हमने और अभिषेक ने सोचा कि गंगा आरती को जो आगे जो रिजर्व सीट होती है वो ले ले, क्योंकि हम 5 लोग तो थे ही, और वो बोल रहे थे कि 500 कर दे, तो सबका मन था कि कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो 500 का एक पर्ची कटवाया है, उसमें फिर हमें गंगा आरती करने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरा शुरू हो चुका है और सब एक अच्छा, ये लोग पूजन जो करेंगे अपन को भी करवाना, यहाँ पे ना नंबर लग रहा है, वो सब करवा रहे हैं पूजन, हमें भी करवाना होगा ये, अभी वो नंबर लगवाने गया। तो इधर पूजन चल रहा है, अभी नेक्स्ट राउंड में हमारा होगा क्योंकि हमने भी बुकिंग करवा ली है और सब लोग सेटल हो गए हैं। काफ़ी भीड़ है पर अभी 1 घंटा है, मतलब आना ही पड़ता होगा अगर आगे बैठना है तो जल्दी। पंडित जी पहुँच गए, बच्चा तब से चिल्ला रहा है पंडित जी चल, खुश हो गया लड़का। Namaste Hari Krishna Namaste Hari Krishna 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 Hare Hare
ऐसे ऐसे हमें मिली थी वो आरती और हमने करी सबने एक एक बार. इट वॉज अमेजिंग. मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था शब्द ही नहीं है. बहुत 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 अच्छा लगा. दर्शन वर्शन हो गए और पहले हमारा प्लान था कि हम लक्ष्मण झूला भी जाएंगे, लेकिन वहाँ 2 घंटा चला जाएगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता. तो अभी बस हम खाना फटाफट ठूसेंगे और यहाँ से निकलेंगे वापस देहरादून के लिए. स्कूटी चलानी है तो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि लेट हो जाएगा. फिर वहाँ पे जंगल वंगल है तो मतलब हमने सुना है कि जानवर आने का सीन हो जाता है. तो अभी ऐसे चलती हुई रोड पर निकल जाएँ क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है मैक्स. हम आराम से पहुँच जाएंगे तो वी वॉन्ट टू रीच देयर एटलीस्ट बाई 10:30. अभी 8 हो रहा है, 9 बजे भी निकलेंगे हद करके तो भी 10:30 तक पहुँच जाए. सेवा करते हुए दो लोग अपना खाना छोड़ कर. अरे पीछे तो डाल दे. जैसे कि दिख रहा है हवा चल रही है, सुबह इतनी गर्मी थी, बस अच्छा मौसम रहे. हम होपफुली अच्छे से पहुँच जाए रास्ते में, कोई दिक्कत ना आए. जय माता दी. पहली बार रात में राइड कर रही हूँ पहाड़ों में, लेकिन हर किसी का फर्स्ट टाइम होता है. सो थोड़ी सी नर्वस हूँ पर ठीक है, और लोग भी हैं साथ में. बस मौसम ना बिगड़े, बाकी और कुछ भी दिक्कत नहीं है. मैंने पेट्रोल डलवा ली अभी और अभी हम निकल रहे हैं. हमारा मतलब देहरादून हाईवे लग गया है तो जय माता दी, हमारी जर्नी सेफ रहे. बस बाय बाय. तो बारिश शुरू हो गई है, किस्मत ही थोड़ी सी. हाईवे वैसे हमने काफ़ी क्रॉस कर लिया था, पहाड़ पहाड़ वाला. हाँ एक सेकेंड. और बाकी लोग भी रुके हुए हैं क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है. बहुत रात थी और हाईवे पर बारिश काफ़ी भीग गई. मतलब हमने थोड़ा खींचा कि जब तक ज़्यादा बारिश शुरू नहीं हुई थी, लेकिन ज़्यादा हो गई थी. चश्मे पर बार बार मतलब नहीं हो पा रहा था और फिर रोक लिए हमने. और बाकी लोग भी रुके हुए काफ़ी, नहीं बस खड़े. तो थोड़ी देर ही चले हैं कि तब तक वापस बारिश शुरू हो गई है. दिमाग ख़राब हो रहा है. अभी एक होटल में रुके हुए हैं, जब तक रुकेगी नहीं तब तक. दिस इज़ नॉट एन एडवेंचर एनी मोर. मुझे ठंड लग रही है. और मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि मैं सुमेरा शरीर सूखा हुआ है. इतना ज़्यादा मेरे अंदर पानी भर गया है और ठंड लग रही है. ठंडा पानी डाला वो भी गर्म लग रहा था, इतना ठंडा था मेरा शरीर. लिप बाम दियो ज़रा. मेरे होठों को यानी किसकी नज़र लगी है. ये ब्लॉग में बोलने की बात है. तो क्या हो गया. अब थोड़ा चैन आया जीवन में. मंगाया है मतलब खाना लेके आया है बाहर से. एक मैक आलू टिक्की, एक मैक पफ. ये खा के मैं सो जाऊंगी. अगर कुछ हुआ तो वापस आ जाऊंगी. तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा ध्यान रखिए और गाड़ी ध्यान से चलाइए हाईवे पे और सुरक्षित घर पहुंच जाइए. बाय बाय, गुड नाइट.